हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी वहवी सिंह एंड यू आर वेलकम ऑन एजुकेशनल डिज़ायर चैनल। सो गाइज, एज यू कैन सी हियर द कमेंट फ्रॉम राखी द्विवेदी, इन्होंने बोला है कि व्हाट्स रॉन्ग विद मी, वेर आई गो ऑल द यूट्यूबर्स अपलोडेड सेम क्वेश्चंस नॉट डिफरेंट, सो माय ह्यूज रिक्वेस्ट फॉर यू मैम, प्लीज़ अपलोड न्यू क्वेश्चंस। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पे कमेंट राखी जी का पढ़ा है और राखी त्रिवेदी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उन्हें सेम क्वेश्चंस हर एक वीडियोस यूट्यूब के वीडियोस पे मिल रही है, तो उन्हें थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस चाहिए जो कि आने की पॉसिबिलिटी भी हो और क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट भी हों, है ना। तो मैंने आज ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया है जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, आप बने रहना वीडियो के लास्ट तक और मेरी वीडियो को आप एंड तक देखना और आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लंदन में राजीव गांधी की मुलाकात किससे हुई? आंसर इज एडविग एंटोनियो एल्बिना मैनू। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा 100% है, बिकॉज राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से हुई थी, तो इनका पहले ये नाम था, बट जब इन्होंने शादी किया सोनिया गांधी से तो इनका नेम ये एडविग एंटोनियो एल्बिना मैनो को चेंज करके सोनिया गांधी रख दिया गया था आफ्टर मैरिज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, राजीव गांधी का पूरा नाम क्या था? फ्रेंड्स, ये मुझे भी पहले नहीं पता था, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इनका पूरा नाम था राजीव रत्न गांधी, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजीव गांधी का नाम राजीव गांधी के नाम पर पड़ा था, तो जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम था कमला और राजीव का अर्थ होता है फ्रेंड्स कमला, ओके। दैट्स वाई जो नेहरू जी थे वो अपनी वाइफ के मृत्यु के बाद वो एक अपनी मेमोरी मतलब रखना चाहते थे, ठीक है, उनके याद की वजह से मेमोराइज़ करने के लिए उन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया था राजीव, दैट्स मीन कमला, ओके। एंड फोर क्वेश्चन इज, राजीव गांधी को किसका पिता माना जाता था? ओके, तो फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, बिकॉज ये आ सकता है, किसका पिता राजीव गांधी को माना जाता था? तो उनको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है पिता माना जाता था, ओके। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, राजीव गांधी को किसका आर्किटेक्ट कहा जाता था? ओके, तो राजीव गांधी को डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट कहा जाता था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अभी नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर छः, सन 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स सी डॉट, जिसको हम सी डॉट बोलते थे, की स्थापना हुई थी 1984 में, ओके फ्रेंड्स। एंड यह किससे संबंधित है आपको ये बताना है, ये जो सी डॉट था 1984 में, ये राजीव गांधी के समय स्थापना हुई थी, उसको किस चीज़ से मतलब वो संबंधित है? तो वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क की ज़रूरत को पूरा करता था, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये भी बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी उस टाइम की। क्वेश्चन नंबर सेवन, आप देखो, राजीव गांधी के मृत्यु के एक साल है के बाद उनके पंचायती राज फाउंडेशन को 1992 में संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एज अ पॉलिटी का भी क्वेश्चन आप समझ सकते हो, तो ये डबल सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 73 एंड 74 आर्टिकल्स में इसको रखा गया संशोधन में, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको आज सेवन क्वेश्चंस बताए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि मैं भी इसका प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं मैं उसको राइट डाउन करती हूँ और वो मैं आपको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हूँ, ताकि आपका भी अपने डिस्ट्रिक्ट में लैपटॉप एकदम फिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप सच में मेरे वीडियो को लाइक करे हो और आपको अच्छा लगा है और आप आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन तो ज़रूर ही प्रेस कर देना, भूलना नहीं, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।